हाय फ्रेंड्स, एके लॉग एंड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में तंदूरी चिकन लेग पीस की बिरयानी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। सबसे पहले हम चिकन तंदूरी बना कर लेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए लगने वाली चीज़ें कुछ यूँ है: एक कटोरी दही, 1 टीस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 नींबू का जूस और फूड कलर डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो इसे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लेग पीस का इस्तेमाल किया है। चिकन को अच्छी तरीके से धोने के बाद में इसे उसके ऊपर कर्ट्स लगा ले ताकि मसाला अंदर तक मैरिनेट हो जाए, अच्छे से जज्ब हो जाए चिकन में। चिकन को मसाला लगाने के बाद में तकरीबन आधा घंटे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए हमें इसे मैरिनेट करते हुए रखना है। कई लोग चिकन को मैरिनेट रात भर करते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसे मसाला लगा के, ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर आप झटपट करना चाहते हो तो आधा घंटा बहुत हो गया है मैरिनेशन के लिए। सारे मसाले अच्छे से कोट करने के बाद में इसे 1 टीस्पून या 2 टीस्पून तेल लगा के फिर से इसे एक बार मिक्स कर लें। मैं तंदूरी चिकन बनाने के लिए OTG ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे फ्राई पैन में बटर डाल के फ्राई कर लें। मैंने यहाँ पे एक जाली ली है जिसे मैं बटर की मदद से ग्रीस कर रही हूँ ताकि चिकन यहाँ पे जब हम चिकन को रोस्ट करेंगे तो चिपकना नहीं चाहिए। तकरीबन 10 मिनट पहले ही मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 230 डिग्री पे। 1 by 1 इस तरीके से चिकन रखिए। तकरीबन 10 मिनट बाद जब ऊपर से मसाला थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसे बटर की मदद से ग्रीस करें और फिर से इसे ओवन में रखें। तकरीबन 20 मिनट में हमारी ऊपर की साइड पक चुकी है। अब इसे टर्न करें और इसे ग्रीस करके फिर से 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में रखें। मिनट्स में हमारी तंदूरी चिकन बनके तैयार है। अब हम इसे साइड में करके अपनी बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा टोप लिया है, भगोना। उसमें मैं तकरीबन 1/2 लीटर से थोड़ा कम तेल डाल रही हूँ और सारे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले हमें ऐड करने हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। मैंने यहाँ पे 3 बड़ी स्लाइसेस में कटी हुई प्याज ली है। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मैं लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करूँगी क्योंकि मैंने बिरिस्ता पहले ही बना के रख दिया है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इस पॉइंट पे हमें टोमेटोज ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे 2 बड़ी टोमेटो ली है। टोमेटो को हमें नरम सॉफ्ट होने तक पकाना है और फिर उसके बाद में सारे ड्राई मसाले ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर,
2 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे मसालों को धीमी आंच पर फ्राई कर लें। जब सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तब 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड करें। अदरक लहसुन और मिर्ची के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करना है हमें। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला डाल सकते हो। गैस की आंच धीमी करके 200 ग्राम दही ऐड करें और दही को मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही जब अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद में कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड करें और इसे भी मसालों में मिक्स कर दें। ऑलमोस्ट हमारा मसाला तैयार है। अब थोड़ा सा इसे 2 मिनट के लिए पकाएं और फिर बाद में जो हमने पहले ही जो तंदूरी बना के रखी हुई है वो तंदूरी हमको ऐड करनी है। चिकन तंदूरी के जो लेग पीसेस है मैं बस ऊपर से इसे ऐसे ही प्लेस कर रही हूँ। मैं मसालों में इसे मिक्स करने वाली नहीं हूँ। मसालों के ऊपर इसे प्लेस करने के बाद में फिर मैं राइस ऊपर से लेयर लगा दूंगी राइस की। सेवन हंड्रेड ग्राम राइस को मैंने 70% कुक करके लिया है। राइस को अच्छे से स्प्रेड करें और फिर ऊपर से 2 या 3 चम्मच घी ऐड करें और घी को अच्छी तरीके से राइस में मिक्स कर लें हल्के हाथों से। जब घी अच्छे से राइस में मिक्स हो जाए उसके बाद में फूड कलर ऐड करें और फूड कलर को भी हल्के हाथों से राइस में मिक्स करें। ऊपर ऊपर से मसाला ऊपर नहीं आना चाहिए। और ये होने के बाद में फिर ऊपर से जो हमने पहले ही बिरिस्ता बना के रखा है प्याज का बिरिस्ता वो ऊपर से स्प्रेड करें। प्याज का बिरिस्ता और कटा हुआ धनिया और पुदीना। तंदूरी चिकन बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन की तंदूरी बना के लेते हैं। इसका मतलब हमारा जो चिकन होता है वो ऑलरेडी कुक्ड होता है, इसलिए इस बिरयानी को हमें बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें बस इसे 30 मिनट के लिए दम पे रखना है। और लीजिए, चिकन लेग पीस तंदूरी बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।